पिटाई का एक वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया है। बता दें कि पुलिस ने 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और साथ ही 9 अन्य आरोपियों की पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। तो तस्वीरें में आपको यहां पर दिखा रहे हैं, ये वीडियो है जो वायरल हुआ है। किस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं कि इस युवक को पीटा गया है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार यहां पर किया गया है, तो वहीं 9 जो आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। और इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया है। कुलदीप जी मीडिया संवाददाता खबर पर जा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप, आखिर क्या कुछ जो है जानकारी अभी तक इस वीडियो के बारे में जुटा पाई है पुलिस? जी, अलवर के थानागाजी के अंदर जो घटना घटी थी उसके बाद से ये जो श्री गंगानगर जिले की पुलिस है वो हरकत में आई। पुलिस ने जो वीडियो वायरल हुआ उसके परिवादी तक, जो जिस लड़के की पिटाई की गई है उस तक पहुंचा, उसको मुकदमा करने के लिए राजी किया और उसके बाद पुलिस ने 11 आरोपी हैं उनको नामजद किया और आज पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा है कि जो बाकी के 8 आरोपी हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो जी कुलदीप, जो पीड़ित है उससे जो है क्या बात पुलिस अभी तक कर पाई है इस पूरे प्रकरण को लेकर? जी, अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार जो पीड़ित युवक है उसके पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने इन जो 11 लोगों को इस युवक के साथ मारपीट करने के लिए सुपारी दी थी, क्योंकि उसे शक था कि जो पीड़ित युवक है उसका उसकी बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी को चलते ही, इसी शक को लेके इस युवक के साथ मारपीट करने के लिए 11 लोगों को सुपारी दी गई थी और उसी के चलते ही इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल जो पीड़ित युवक है वो काफी डरा और सहमा हुआ है और कैमरे के आगे आने के लिए भी राजी नहीं हुआ, लेकिन जो पुलिस है उसकी जो कार्रवाई से कहीं ना कहीं उसे राहत जरूर मिली है। जी सुमित, कुलदीप, अभी तक क्या इस शख्स की तरफ से पुलिस में अपनी तरफ से जो है कोई शिकायत दर्ज करवाई गई है? क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई जरूर इसमें शुरू कर दी है, लेकिन अब जो ये शख्स है क्या चाह रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये वीडियो है वो वायरल सोशल मीडिया पर हुआ, किसी को पता भी नहीं था कि ये घटना कहाँ की है, लेकिन जो अलवर के थानागाजी में घटना हुई उसके बाद पुलिस महकमा अलर्ट हुआ और उसने जो पीड़ित युवक है उसको ढूंढ निकाला और पीड़ित युवक की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ही पुलिस ने जो आगे की कार्रवाई शुरू की है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसमें कुलदीप, अभी इस शख्स की क्या स्थिति है, क्योंकि हम तो तस्वीरें देख रहे हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं कि कैसे ये तमाम लोग मिलकर एक शख्स को बुरी तरीके से पीट रहे हैं, इसकी क्या सिचुएशंस हैं अभी? जी, जो पीड़ित युवक है उसका इलाज चल रहा है और आगे से जो उसकी